लेकिन श्रृंगार किया कैसा सुनके ये सब भागी सारी सुधबुद्धि भूल गए थे। भागती जा रही है बंसी की धुन को सुनाई पड़ रही है लेकिन करें क्या, श्याम सुंदर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और जब कन्हैया दिखाई नहीं पड़े तो एक गोपी दूसरे को हाथ पकड़ के बोली बोली कब तक भागती रहोगे है। जवाब दिया बे के नजदीक जब पहुंची है भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा तो पूछ लिया तुम काहे को आई हो। जवाब दिया है श्याम हम लोगों की इच्छा है आप हमारे साथ में महाराज करो। और जब गोपियां नहीं मानी है तो श्याम सुंदर ने महाराज किया। ऐसी लीला रची कन्हैया ने जितनी गोपियां हैं उतनी श्याम बन गए। अब सब यही सोचती है श्याम सुंदर हमारे पास है हमारे अलावा किसी दूसरे के पास है ही नहीं। महाराज हो रहा था इस महाराज को देखने के लिए देवियां चली कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली। भोले बाबा ने रोक लिया पार्वती कहां जा रही है रात में वो भी अकेली बिना बताए कहां जा रही। पार्वती बोली प्रभु तुम्हें नहीं मालूम इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूं। महाराज हो रहा है और मैं महाराज को देखने जा रहा। भोले बाबा बोले महाराज को देखने जा रही हूँ वो भी अकेली जा रही हूँ भाई हमें घर पर छोड़ के हैं हमें अपने साथ नहीं ले जाओगी। नहीं क्यों क्योंकि वहां पुरुष नहीं जाते हैं केवल महिलाएं जाती हैं। लो कल्लू बाबा पुरुष नहीं जाते महिला अरे ये तुम्हारी कोई बात नहीं भाई हमें अपने साथ ले चलो। बोले मैंने कहा नहीं वहां पुरुष नहीं जाते
बोले बाबा बोले कोई बात नहीं, जब कौन सी बड़ी बात है, बोल सुना जा छोड़ो मैला जाती है हाँ। तो ऐसा करो साड़ी उठा ला, क्यों क्यों हमें पहना लो, पागल तो नहीं होंगे, हमने तुम्हें अगर साड़ी पहनाई तो हाथ बनेगी तो दाढ़ी भारी है जा कर ले। बोले बाबा बोले कुछ भी करो ना, लेकिन गोपी कहने लगी मना कौन कर रहा जाओ, जैसे निकाली पड़ी गोपी ने रोक लिया, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं, इधर बता अब क्या हुआ, बोले पहले तुम हुआ कुछ नहीं हमारा देखने आई तो जाओ, लेकिन ऐसे नहीं पहले अपना परिचय लिखाओ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पति का नाम क्या है, आई कहां से हो, उसके बाद में जाओ। पार्वती बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, नहीं पहचाना तभी तुम्हें पूछ रही हूँ कहां से आई हो, मैं कैलाश पर्वत से आई। अच्छा अच्छा ठीक है पहचान लिया मैंने, भोले बाबा की पत्नी हो ना, हाँ, तो तुम जाओ 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 जाओ
पार्वती जैसी अंदर बड़ी बोले बाबा इनके पीछे पीछे चले। तो गोपी ने रोक लिया, तुम कहां जा रही हो, रुको। पार्वती को लौट आई, क्या हुआ, जाने नहीं दिया ने? गोपी बोली, भाई जाने क्यों दे, क्यों भाई, तुम्हारी तो मालूम है, तुम तो कैलाश पर्वत से आई, बोले बाबा की बदली हो। जी जी, इनकी तो मालूम नहीं है कौन तुम्हारे साथ है। हाँ हाँ, मेरे साथ है। तुम्हें मालूम होगा कौन है ये? हाँ बिल्कुल मालूम है। तो कौन है ये? सोचा तो क्या करें, बोले बाबा सही, अब जब पूछ रही है तो हम क्या बताएं। बोले बाबा धीरे से बोले, कछु बता दे, भीतर निकल चले, फिर कौन सी चिंता है। गोपी कहने लगी, भाई क्या क्या चला कर रही, तुम्हें नहीं मालूम? बोले नहीं, मालूम है, हमको भी पता है, मालूम है मुझे।